मतदाता सूचियों में समस्त पात्र व्यक्तियों के नाम को शामिल करने तथा मतदाता सूचियों में विद्यमान विभिन्न प्रकार की त्रुटियों को दूर करने हेतु विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र नूरपुर तथा इंदौरा के समस्त बूथ लेवल अधिकारियों तथा बूथ लेवल एजेंट की उपमंडल स्तर पर निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एसडीएम नूरपुर की अध्यक्षता में एक मीटिंग का आयोजन किया गया। बैठक में बूथ लेवल अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वे अपनी मतदाता सूचियों का पूर्णतः सत्यापन करके आगामी लोकसभा निर्वाचन से पूर्व समस्त पात्र व्यक्तियों के नामों को मतदाता सूची में शामिल करने तथा अपात्र व्यक्तियों के नाम को मतदाता सूची से हटाना सुनिश्चित करें। बूथ लेवल अधिकारियों को ये भी निर्देश दिए गए हैं कि वे इस संबंध में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें कि उनके मतदान केंद्र से संबंधित समस्त पात्र व्यक्तियों के नाम मतदाता सूची से सुमित कर दिए गए तथा किसी भी पात्र व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में शामिल करने से छूटा नहीं है तथा समस्त अपात्र व्यक्तियों को हटा दिया गया है। अध्यक्ष महोदय द्वारा बैठक में उपस्थित बूथ लेवल एजेंटों से अनुरोध किया गया कि बूथ लेवल अधिकारियों को मतदाता सूची को अद्यतन करने में अपना योगदान प्रदान करें तथा अपने मतदान केंद्रों में संबंधित मतदाता सूचियों का निरीक्षण करके सूचित कर लें कि किसी पात्र व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में शामिल करने से छूट न गया हो। विधानसभा क्षेत्र इंदौरा की सुबह प्रथम पक्ष में और दूसरे सत्र में नूरपुर कंस्टिट्यूंसी के सभी बीएलओ बूथ लेवल अधिकारी एवं बूथ लेवल एजेंट जो राजनीतिक पार्टियों से संबंधित थे बीजेपी के और कांग्रेस के सभी लोगों से यहां पर एसडीएम महोदय की अध्यक्षता में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार बैठक हुई, जिसमें ये निर्देश दिया गया है कि जो भी पात्र व्यक्ति जिसकी एज 1/1/2019 को 18 वर्ष पूरी होने वाली है, वो अगर फिर भी हमारी वोटर लिस्ट से नाम दर्ज होने से छूट गए हैं तो उनसे करवत निवेदन रहेगा कि वो अपना नाम कंटिन्यूल अपडेशन में 4 जनवरी के बाद अपने बीएलओ के पास जाकर के अपना नाम जरूर शामिल करें और जो वोटर लिस्ट में नाम दर्ज है उनमें अगर किसी तरह की कोई त्रुटि है, कमी है, तो आप उसको भी ठीक करवा लें और अपने बीएलओ के माध्यम से अपने फार्म नंबर 8 भर करके उसकी करेक्शन करवा लें ताकि आगामी लोकसभा इलेक्शन में 100% मतदाता जो अपना वोट डाल सकें और अपनी हमारी वोटर लिस्ट जो है वो 100% सही हो, अपडेटेड हो और बिल्कुल सही हो, यही बात करने के लिए हमने आज मीटिंग हुई है। और हम फिर मतदाता सूची का जो फाइनल प्रकाशन है वो हमने 4 जनवरी 2019 को करना है। इसके संदर्भ में हमने तमाम बीएलओज के साथ मीटिंग की है। फर्स्ट हाफ में हम क्या कहते हैं इंदौरा के बीएलओज के साथ मीटिंग करें और सेकेंड हाफ में हम नूरपुर के बीएलओज के साथ मीटिंग करेंगे। इसमें हमने अपने बीएलओज को ये निर्देश दिए हैं कि मतदाता सूची का जो है गहन और विस्तृत तौर पर जो है उसकी छानबीन करें, जांच पड़ताल करें ताकि जो है कोई ऐसा व्यक्ति कोई इलेक्टर जो है उसका नाम जो है दो बार मतदाता सूची में ना आ जाए, रिपीट एंट्रीज ना हो, मल्टीपल एंट्रीज ना हो या डेमोग्राफिकली सिमिलर एंट्रीज है उसको भी चेक करने के लिए मैंने निर्देश दिए हैं। इसके अतिरिक्त मैंने तमाम बीएलओज को ये इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो हमें कड़े निर्देश प्राप्त हुए कि हम जो मतदाता सूची में व्यक्ति की संबंधित मतदाता की जो फोटो है वो रिकॉग्नाइजेबल हो, बिल्कुल क्लियर सा हो और जो है इस संदर्भ में अगर किसी प्रकार के क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन है वो हमारे टाइमली हमें सबमिट करा दें सो दैट कि हम जो है अपडेटेड और अपडेटेड जो है मतदाता सूची तैयार कर सके। इसके अतिरिक्त जो है हमने तमाम बीएलओज को ये निर्देश दिए हैं कि हमारे जितने भी हमारे पोलिंग बूथ हैं उनके फिजिकल वेरिफिकेशन कर लें, उसमें जो है एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज लाइक बाथरूम, टॉयलेट, बिजली, पानी, फर्नीचर और वोटर्स के लिए जो है वेटिंग एरिया इस तरह की जो है जो फैसिलिटीज़ है वो उसकी हमें रिपोर्ट कर लें। और हमने विशेष तौर पर जो है तमाम बीएलओज को कहा है कि ऐसे व्यक्ति जो फॉरेन कंट्रीज में रहते हैं और जो यहाँ के वोटर्स हैं उनसे हमारा स्पेशल गुजारिश रहेगी कि वो जो है उनकी एनरोलमेंट इसमें करवाना सब सुनिश्चित करें। इसी के साथ में हम क्या कहते हैं हम यहाँ के बीएलएस के साथ भी मीटिंग कर रहे हैं। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज से मेरा एक अनुरोध, व्यक्तिगत अनुरोध ये रहेगा कि वो कृपया जो है मतदाता सूची उसकी एक कॉपी मेरे पास अवेलेबल है, मेरे एसडीएम ऑफिस में एक तहसील ऑफिस में भी है, बीएलओज को भी हमने उसकी कॉपीज दे रखी है, उसका विस्तृत तौर पर वो भी उसका जो है स्क्रूटिनाइज करें, उसके छटनी करें, उसमें देखें कि कोई ऐसे व्यक्ति तो नहीं है जो रिपीटेड है, मल्टीपल एंट्रीज है या डेड है, एडेड है, शिफ्टेड वोटर्स है या उनकी फोटोग्राफ्स जो है रिकॉग्नाइजेबल नहीं है या फिर जो है एक ही परिवार के जो वोटर्स हैं जो अलग अलग क्रमांक पे जो है अंकित किए गए हैं, तो इस तरह की चीज़ों को जो है देखने और हमारे ध्यान में लेकर आएंगे।